हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हाइव, जो एक डेटा एनालिटिक्स के लिए टूल है, जहां पे हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके, एसक्यूएल के जैसे लैंग्वेज को यूज करके, जिसको हम बोलते हैं हाइव क्वेरी लैंग्वेज। शुरू करते हैं हाइव के इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि हाइव क्या होता है। हाइव एक डेटा वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हडूप में हमें अवेलेबल होता है। जब मैं डेटा वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे मैं बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। साथ ही साथ हडूप मुझे बहुत बड़े डेटा के ऊपर फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटीज के साथ स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा हडूप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि हमारे पास में फॉल्ट टॉलरेंस रहता है, डेटा हमेशा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे रहता है। तो हाइव क्या हुआ, हाइव हडूप के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज बन गया मेरे पास। तो एक ऐसा इंजन बन गया जिसमें हम लोग क्वेरीज को प्रोसेस कर सकते हैं उस डेटा पे जो डेटा हडूप में रखा हुआ है या हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे रखा हुआ है। तो जो डिजाइन गोल था हाइव का, जो हाइव लिखने से पहले फेसबुक ने सोचा था, वो ये कि हमें एक ऐसा क्वेरी लैंग्वेज बनाना है जो बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर सके और जिसमें हम लोग एसक्यूएल के जैसे क्वेरीज लिख सके, ताकि क्वेरी करना थोड़ा आसान हो, एनालिसिस करना थोड़ा आसान हो। हाइव ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग पे काम नहीं करता है, मतलब हाइव कभी भी आपको रिलेशनल डेटाबेस का ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रांजेक्शन के साथ में काम कर सकते हो या आप हाइव को एज ए बैकएंड यूज कर सकते हो। जब मैं कहता हूँ कि हम लोग बैकएंड यूज कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ इसका, कि आप हाइव को ओरेकल या MySQL या SQL सर्वर के ऑल्टरनेट की तरह यूज नहीं कर सकते हो। ये ट्रांजेक्शन सपोर्ट नहीं करता है। ट्रांजेक्शन सपोर्ट नहीं करता है मतलब क्या हुआ, हम लोग डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हाइव में नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP। एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, डेटा आपके पास में रखा हुआ है, आप उसको एनालाइज करना चाहते हो। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, हम डेटा पे अलग अलग तरह के सिलेक्ट क्वेरी लिखना चाहते हैं। अगर ये मेरा रिक्वायरमेंट है तो मैं हाइव को यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग चाहिए, मुझे चाहिए कि डेटा में इंसर्ट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइव जो है वो डेटा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे रखता है और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होता है वहाँ पे डेटा राइट वंस होता है, रेंडम रीड्स, रेंडम राइट्स अलाउड नहीं होते हैं। हाइव कब बनाया गया था, ये 2007 में फेसबुक ने बनाया था। जो ओरिजिनल यूज केस था वो ये कि जब फेसबुक को हडूप अडॉप्ट करना था तो वो पहले ओरेकल पे काम करते थे, लेकिन अब अपनी करंट टीम को वो लोग मैप रिड्यूस या जावा प्रोग्रामिंग के साथ में नहीं लेके जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक हाई लेवल क्वेरी इंजन बनाया जो इंजन क्वेरीज को अपने आप से मैप रिड्यूस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक चीज जो हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं वो ये कि जब आप हाइव में कोई भी क्वेरी लिखते हो तो वो हमेशा मैप रिड्यूस में कन्वर्ट होती है, हमेशा चेंज होती है मैप रिड्यूस के जॉब में, उसके बाद में सबमिट होती है यान को या जॉब ट्रैकर को। हडूप में जो हाइव होता है, हाइव के आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम लोग एक इमेज पे जाते हैं। तो जब आप ये इमेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेगी, एक है हाइव का इंजन और दूसरा है हडूप। हडूप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जॉब ट्रैकर होगा या रिसोर्स मैनेजर होगा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और HDFS होगा जहां पे मेरा डेटा स्टोर होगा। इसके साथ जो एक और इंजन मेरे पास में है वो है हाइव। इसका मतलब ये है कि पहले हाइव आपके जॉब को कन्वर्ट करेगा मैप रिड्यूस में, फिर फाइनल वो मैप रिड्यूस का जॉब जो होगा वो जॉब ट्रैकर को सबमिट हो जाएगा। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स लिखे हैं ये है मेरे प्रोसेस का ऑर्डर। तो इंटरफेस का मतलब हुआ वो क्लाइंट जहाँ से हम लोग हाइव का क्वेरी लिखेंगे। तो जैसे MySQL में मेरे पास में क्लाइंट होता है, SQL सर्वर में मेरे पास क्लाइंट होता है,
वैसे ही हाइव में भी मेरे पास एक क्लाइंट होता है। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं MySQL से या जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ओरेकल से, वैसे हम लोग करेंगे कनेक्ट हाइव के क्लाइंट से। तो हाइव में जो क्वेरी प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट होती है क्लाइंट के साथ। तो आपका जो क्लाइंट इंटरफेस होगा वहां से आप अपने क्वेरी को सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में आपका क्वेरी जाएगा ड्राइवर के पास। ड्राइवर ये चेक करेगा कि आपने जो हाइव का क्वेरी लैंग्वेज लिखा है उसका सिंटेक्स और सिमेंटिक्स सही है या नहीं है। तो आप जब लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो सिलेक्ट का स्पेलिंग, फ्रॉम का स्पेलिंग, ये सारी चीजें कौन चेक करता है? आपका ड्राइवर। सिंटेक्स और सिमेंटिक चेक करने के बाद में आपका जो ड्राइवर होगा वो एक क्वेरी प्लान जनरेट करेगा। वो क्वेरी प्लान सबमिट होगा किसको? आपके एग्जीक्यूशन इंजन को। तो एक क्वेरी प्लान जनरेट करने के लिए हम पहले आपका ड्राइवर कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर उस क्वेरी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने से पहले हमें जाना पड़ेगा मेटा स्टोर के पास। मेटा स्टोर होता है जहाँ पे मैं अपना मेटा डेटा स्टोर करता हूँ। अब मेटा डेटा का मतलब क्या है वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग हाइव का आर्किटेक्चर देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कन्वर्ट कैसे करता है। तो मेटा स्टोर से मुझे पता चलेगा कि टेबल नेम जो मैं दे रहा हूँ वो सही है या नहीं है, कॉलम नेम जो आप दे रहे हो वो सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मेटा स्टोर से चेक करोगे। तो जब मेटा स्टोर में सारी एंट्रीज करेक्ट होगी तो आपका कंपाइलर आपके जॉब को कंपाइल करेगा, कंपाइल करके ड्राइवर को देगा। ड्राइवर क्वेरी प्लान जनरेट करके एग्जीक्यूशन इंजन को देगा, जो आपकी क्वेरी को मैप रिड्यूस में कन्वर्ट करेगा और किसको देगा? जॉब ट्रैकर को देगा। जॉब ट्रैकर या रिसोर्स मैनेजर, जो भी आपका क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन होगा वो आपकी जॉब को प्रोसेस करेगा। डेटा आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पर रहेगा। यहाँ से आपकी क्वेरी का कुछ रिजल्ट बनेगा जो वापस आपको इंटरफेस पे मिल जाएगा। ये होता है मेरा हाइव का क्वेरी कैसे प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि हाइव का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो देखिए, जब हम लोग सिंपल रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस में हमेशा मेरे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे हम लोग अपना डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे मैंने MySQL इंस्टॉल किया या Oracle इंस्टॉल किया या SQL सर्वर इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद में मेरे पास में एक सर्वर एनवायरमेंट बन जाता है। उस सर्वर पे हम लोग बहुत सारे डेटाबेस बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास जो MySQL है यहाँ पे, या जो हम लोग MySQL का क्लाइंट हमेशा कनेक्ट करते हैं, जो हम लोगों ने स्कूप में भी किया है, यहाँ पे जब आप -u root -p cloud है, जब आप करते हो शो डेटाबेसेस, तो ये आपको डेटाबेसेस की लिस्ट बताता है। अब ये जो सारे डेटाबेसेस होते हैं ये फिजिकली आपके डिस्क पे स्टोर होते हैं, डिस्क मतलब आपके हार्ड डिस्क पर। तो इन सारे डेटाबेसेस को हम लोग किस में क्रिएट करते हैं? MySQL के एनवायरमेंट पे। डेटाबेस के अंदर मेरे पास जो बनता है वो बनते हैं टेबल्स। ये जो टेबल्स होते हैं ये होते हैं फोल्डर्स, राइट? तो फोल्डर्स के अंदर हमारे जो डेटाबेस का आपका फोल्डर बनेगा, डेटाबेस के फोल्डर के अंदर क्या बनेगा? हर टेबल के लिए एक अलग फाइल। ये आप फिजिकली देख सकते हो। जब हम लोग MySQL की डेटाबेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यूजर स्विच करूंगा रूट पे, इसका पासवर्ड भी क्लाउडेरा है। अब क्लाउडेरा पासवर्ड डाल के रूट से कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में हम लोग करते हैं /var/lib/MySQL। यहाँ पे जाके आप जब लिस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? देखिए, हर डेटाबेस के लिए एक अलग फोल्डर है मेरे पास। तो CM मेरा डेटाबेस है, Hue मेरा डेटाबेस है, मेटा स्टोर, MySQL, नेव, उजी, ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट है CM, Firehouse, Hue, मेटा स्टोर, MySQL, ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं। हमने रिटेल DB डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स देखे थे, जैसे कस्टमर्स एक टेबल था, ऑर्डर्स था, ऑर्डर आइटम्स था। तो हम लोग करते हैं CD space Retail DB, और यहाँ पे जब हम लोग लिस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हर टेबल के लिए एक अलग फाइल बना हुआ है। तो जो मेरा आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर क्या हुआ कि जब भी आप डेटाबेस को स्टोर करते हो तो आपको एक फोल्डर मिलता है, डेटाबेस में जब भी टेबल बनाते हो तो एक फाइल बनता है। ये मेरा नॉर्मल MySQL का आर्किटेक्चर है। अब अगर मैं इसको हाइव के आर्किटेक्चर से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? हाइव में भी आपके पास में एक गेटवे होगा जहाँ पे आपने अपना सर्वर इंस्टॉल किया होगा,
हाइव का सर्वर इंस्टॉल किया होगा। उस गेटवे से जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको हर एक डेटाबेस के लिए अलग फोल्डर मिलेगा। तो हाइव में भी मेरे पास में डेटाबेसेस होते हैं, जैसे डिफॉल्ट एक मेरा डेटाबेस है, माई डीबी एक मेरा डेटाबेस है, टेस्ट डीबी एक मेरा डेटाबेस है। ये सारे डेटाबेस के अंदर मेरे पास में टेबल्स बने होंगे, तो टेबल्स भी फिर एक फोल्डर होगा, जैसे कस्ट एक फोल्डर हो जाएगा, कस्टमर्स एक फोल्डर हो जाएगा, यूजर टेब एक फोल्डर हो जाएगा। तो ये हम लोग जब हाइव का टेबल बनाएंगे तो देखेंगे। टेबल्स के अंदर जो टेबल के फोल्डर्स होंगे उसके अंदर मेरे पास में फाइल्स होंगे। ये आर्किटेक्चर है किसका, हाइव का। अब ये फोल्डर कहाँ पे होंगे, तो हाइव में जो मेरा डेटाबेस का फोल्डर बनता है वो बनता है यूजर हाइव वेयरहाउस फोल्डर के अंदर। उसके बाद में जो आपका डेटाबेस का फोल्डर बनेगा उसके अंदर आपका टेबल का फोल्डर बनेगा, टेबल के फोल्डर में हम लोग फाइल्स रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग देखेंगे कि हाइव का डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसमें टेबल्स कैसे बनाते हैं, वहां पे मैं आपको ये सारे फोल्डर्स भी दिखाऊंगा कि पहले जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो फोल्डर नहीं होगा, बाद में फोल्डर बन जाएगा, ऐसे जब आप टेबल बनाओगे तो फोल्डर नहीं होगा, बाद में फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि हाइव का जो आर्किटेक्चर होता है वो भी MySQL के जैसा ही होता है, एकदम सेम नहीं होता है लेकिन उससे मिलता जुलता होता है। तो जैसे MySQL में आपका डेटा डिस्क पे जाके स्टोर होता है, वैसे ही हाइव में भी आपका डेटा डिस्क पे जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइव में डेटाबेसेस और टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं।